अस्सलाम वालेकुम, क्या आपने कभी हैदराबादी स्टाइल में हरे मसालों का गोश्त का अचार ट्राई किया है? अगर नहीं तो ये रेसिपी ज़रूर देखिए और ट्राई करिए। बहुत ज़बरदस्त अचार की रेसिपी बनेगी और आप इसे आसानी से एक महीने तक रेफ्रिजरेटर में रख के खा सकते हैं। नॉर्मल जो पिकल होता है, मटन पिकल, उसकी भी रेसिपी आपको मेरे कुक विद फेम चैनल पर मिल जाएगी। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। हरा गोश्त का अचार बनाने के लिए सबसे पहले एक प्रेशर कुकर ले लें और इसमें डालिए आधा किलो गोश्त। पीसेस छोटे कट कर लें, बिना हड्डी वाला लें। इसमें डालिए 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ा सा नमक डाल दें, हल्दी आधा टीस्पून, 1 कप पानी डालिए। इसे अच्छे से मिक्स करिए, लिड बंद करिए, 6 से 7 सीटी आने दें हाई फ्लेम पे। सीटी आने तक हम एक ड्राई मसाला पाउडर पीस के रेडी रख लेते हैं। एक पैन गरम करिए और इसमें डालिए 1 टेबलस्पून जीरा, 1 टेबलस्पून राई, आधा टीस्पून मेथी के बीन्स, आधा टीस्पून कलौंजी। मीडियम फ्लेम पे इसे अच्छे से भूनिए 1 मिनट के लिए या उससे भी कम। इसे जलाइए मत, वरना अचार कड़वा हो जाएगा। जीरा राई सभी अच्छे से भून चुके हैं, फ्लेम बंद कर दें। इसे ठंडा करके पीस लें। 6 से 7 सीटी आ चुके हैं, अब ये पानी सुखा लें। गोश्त देखिए हमारा ऑलमोस्ट ड्राई हो रहा है, आप फ्लेम बंद कर दें, बस इतना काफी है। अब एक कढ़ाही में 1/2 कप तेल गरम करिए। तेल हल्का सा गरम हो जाए तो इसमें गोश्त के पीसेस डाल दें। डाल के हमें अच्छे से फ्राई करना है हाई फ्लेम पे। गोश्त तो हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है, देखिए अब इसे हम एक प्लेट में निकाल के रख लेते हैं। गोश्त निकालने के बाद तेल फिर से हल्का सा गरम करिए और इसमें डालिए 4 से 5 लाल सूखी मिर्च, थोड़ी सी कलौंजी 1/4 टीस्पून, लहसुन के कलियां 15 से 20 डाल सकते हैं, करेपाक 1 टीस्पून, राई 1 टीस्पून, जीरा। इसे सॉटे कर लें। हमें एक हरा पेस्ट्री बना के रेडी रखना है। इसके लिए हमें चाहिए 8 से 10 हरी मिर्च, मुट्ठी भर लहसुन के कलियां, 20 से 25 होंगे या 30, मुट्ठी भर धनिया के पत्ते। थोड़े से पानी के साथ इसे अच्छे से पीस लें। ये बगार हल्का सा फ्राई करने के बाद हरा मसाला पेस्ट डाल दें। डाल के इसे भी अच्छे से फ्राई करिए कच्ची भू जाने तक। इसमें जो कच्ची भू थी वो तो चली गई है, अब फ्लेम बंद करिए। फ्लेम बंद करने के बाद इसमें डालिए फ्राई किया हुआ गोश्त, ये ड्राई मसाला पाउडर, जीरा राई, कलौंजी और मेथी का, और इसी में डालिए 4 से 5 नींबू का रस। अब इसे अच्छे से मिक्स करिए। आखिर में नमक डाल दें, गोश्त में ऑलरेडी है नमक। लीजिए हमारे हरे मसालों का गोश्त का अचार तो रेडी है। फ्लेम बंद करके इसके ऊपर लिड बंद करके थोड़ी देर के लिए रख दें, तेल भी साइड्स में नजर आ जाएगा और ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी और यमी होता है। लग रहा है ना जबरदस्त ये हरे मसालों का गोश्त का अचार, आपको इसे जरूर ट्राई करना है। इसे आप चिकन में भी बना सकते हैं, यही मेथड फॉलो करिए, लेकिन प्रेशर कुकर की जरूरत नहीं है चिकन बनाते वक्त। कमेंट में बताएं आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। लाइक करें, शेयर करें और इसे ट्राई जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम।
आपसे एक बात शेयर करनी थी। मेरा एक दूसरा चैनल न्यू चैनल है जिसका नाम है बिरयानी क्वीन, इसे भी सब्सक्राइब कर लें क्योंकि यहाँ पर मैं बहुत ही ज़्यादा सिंपल और आसान बैचलर बिगिनर स्पेशल रेसिपीज लेके आती रहती हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या मैं कॉमेंट पिन भी कर दूँगी। ज़रूर सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को, बेल आइकन प्रेस कर दें, ऑल सेलेक्ट कर लें नोटिफिकेशंस के लिए।